देखिए, किसी का पर्सनल धर्म कुछ भी हो, वो कुछ भी मानते हो, उससे कोई हर्जा नहीं है। हमारे देश में धर्म निरपेक्षता का, सेक्युलरिज्म का जो मॉडल है वो यही है कि हर इंसान प्राइवेटली कोई भी धर्म को मानना चाहे वो ज़रूर माने, वो चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। लेकिन जैसे ही सरकार की बात आती है, लोगों के पैसे की बात आती है, उसमें धर्म का और एक धर्म को इसके प्रचार का और उसी को मानने का जो एक पब्लिक तरीका है, ये हमारे जैसे लोकतंत्र में धर्म निरपेक्ष देश में ये बहुत चिंता का विषय है। देखिए, जो सीए का आंदोलन हमारे देश में छिड़ा, वो पूरी तरह से लोगों का आंदोलन था और ये आंदोलन जो है वो संविधान को बचाने का आंदोलन है। और सरकारों को ये समझना है कि लोगों को गलत तरीके से आप UAPA और तमाम तरीकों के ज़रिए आप जेल में बंद करेंगे तो लोग डरने वाले नहीं हैं, चुप होने वाले नहीं हैं, वो अपने संविधान के लिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। और ये बिल्कुल सही है कि हमने देखा है कि किस तरीके से CA प्रोटेस्ट में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, उन्हें दिल्ली रायट्स की कॉन्स्पिरेसी के अंदर अलग अलग तरीके से, गलत तरीके से नाम लेकर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। कई लोगों को रिहाई मिली है, बेल मिली है, लेकिन अभी भी तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात उठाई थी, CA के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लेकिन उन्हें अभी भी बेल नहीं मिली है, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। ये लोगों के अधिकारों का, लोकतांत्रिक अधिकारों का, संवैधानिक अधिकारों का हनन है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत लोगों की होती है चुनना उनको जिन्हें वो चाहते हैं कि वो देश चलाएं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, एक तरीका जिससे कि सभी राजनीतिक पार्टियाँ जवाबदेह होती हैं वो है इलेक्शन का समय। तो बिल्कुल हम देख रहे हैं कि यूपी चुनाव आ रहा है और सरकार को, सरकारों को, बीजेपी को, सभी सरकारों को एक ये ज़रूर डर है कि कहीं लोग अगर खुश ना हुए तो उन्हें फिर चुनाव में हार का सामना ना करना पड़े। तो हम देख रहे हैं कि चाहे वो फार्म लॉज हों, उन्हें वापस लिया गया है, लोग भी अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। लोकतंत्र में जब चुनाव आता है, लोग जानते हैं कि सरकारें तब कान खोलकर सुनती हैं, राजनीतिक दल तब कान खोलकर सुनते हैं, तो लोग ज़रूर अपनी आवाज़ उठाएंगे और CA NRC के खिलाफ भी अपनी आवाज़ लोग ज़रूर उठा रहे हैं। देखिए, हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, जो बड़े पद पर बैठे हुए, संवैधानिक पदों पर भी बैठे हुए लोग हैं, वो आज ऐसे काम करते दिख रहे हैं जो कि कई लोगों को चिंतित कर रहे हैं कि वो काम शायद धर्म निरपेक्ष भी नहीं है और संवैधानिक भी नहीं है। तो ये बहुत चिंता की बात हो जाती है कि अगर हमारे जैसे धर्म निरपेक्ष देश के प्रधानमंत्री दिखे किसी एक धर्म, कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, लेकिन अगर वो केवल एक धर्म का ही पालन करते हुए पब्लिक लाइफ में पब्लिक मनी को यूज़ करते हुए नज़र आते हैं, तो वो हमारे जैसे लोकतंत्र के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है और ख़तरा है। निर्भया का कांड हम सबको झिंझोड़ गया था और उसके बाद एक बहुत सॉलिड, बहुत सशक्त कानून भी बना, लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार अभी भी महिलाओं पर, दलित महिलाओं पर, लड़कियों का शोषण होता जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये शोषण के पीछे एक पितृसत्तात्मक सोच हमेशा से रही है और आज भी है, और सरकारों का काम है कि वो इस सोच को तोड़कर बाहर निकलें। 50% लोग हमारे देश में महिलाएं हैं, उनके लिए जो सुरक्षा का जो सिस्टम है वो पूरा होना चाहिए। केवल बातों से नहीं होगा, ये कहकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उससे नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि बजट में से 70% एडवर्टिजमेंट के लिए निकल जाता है। तो जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो होने की ज़रूरत है, जिससे कि महिलाओं का शोषण रोका जा सके, उन पर जो हिंसा हो रही है वो ना हो। हाथरस जैसे कांड भी हमने देखे हैं हाल में होते हुए, जहाँ पर पूरी तरह से स्टेट प्रोटेक्शन
के अंदर काम हुआ लोगों को बचाने का जो आरोपी थे। ज़रूरत है कि कानूनों के तहत सही जांच हो, जब भी ऐसा कोई केस हो, कोई आरोपी हो, उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ये सब रुकेगा, वरना ये चलता रहेगा। देखिए, किसी भी राजनीतिक नेता के कहने से कुछ नहीं हो जाता। सबको सच नज़र आ रहा है, लोगों को दिख रहा है कि कितनी सुरक्षित हैं महिलाएं, माइनॉरिटीज़ कितने सुरक्षित हैं, दलित कितने सुरक्षित हैं। ये किसी राजनेता के कुछ कहने से बदलने वाली चीज़ नहीं है। ये हम देख रहे हैं कि हाथरस जैसे कांड, उन्नाव जैसे कांड चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, देश भर में चल रहे हैं। ज़रूरत आज ये है कि अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबल राजनीतिक नेता हैं, वो वास्तविकता को देखें और ऐसे कदम उठाएं जिससे कि इस तरीके की चीज़ें ना हो। और इसमें मैं नहीं मानती कि ज़रूरत है फांसी लगाने की या कुछ करने की। ज़रूरत है, कानून ऑलरेडी है, जिनकी ज़रूरत है उनको लागू करने की ज़रूरत है, इच्छा शक्ति होने की ज़रूरत है कि अगर ऐसा क्राइम होगा तो उसके खिलाफ कानूनों के तहत पूरा एक्शन लिया जाएगा। तब वास्तव में जो आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की जो बात है कि महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हो गई हैं, तब होंगी, वो आज नहीं है।